अस्सलाम वालेकुम, मैं अफरोज कुरैशी। आज आपको बरेली स्टाइल में कोफ्ते बनाना सिखाती हूँ। देखिए, ये कीमा हाथ का मशीन का है। इसमें चना और खसखस हमने बारीक कस के डाल दिया है। अब इसमें ये हरी मिर्ची, ये हरा धनिया और ये कोथमीर और प्याज डाल दिए। इसमें पिसा हुआ मसाला अदरक लहसुन सौंफ अखा धनिया और गरम मसाला और चना और खसखस है इसमें का हम थोड़ा सा मसाला इसमें डालेंगे। लाल इसी में मिर्ची, गरम मसाला, नमक मिलाएंगे अच्छे तरीके से। इसमें कीमे में सारे मसाले मिलाकर मिक्सर में पीस लिया है। अब मैं इसके कोफ्ते बनाऊंगी। ये मिक्सर में इसलिए पीसा जाता है कि कोफ्ते टूटते नहीं। ये देखिए, कोफ्ते तैयार है। आप इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए। कोफ्ते बनकर तैयार है और अब मैं इसको फ्राई करने के लिए जा रही हूँ। इस तरीके, ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोफ्ते फ्राई कर लिए। और हमको ये कोफ्ते ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हमको ये कोफ्ते कम फ्राई करना है। तो ये कोफ्ते मैंने पूरे फ्राई कर दिए। ये देखिए, कोफ्ते इस तरीके से मैंने फ्राई कर लिए और कुछ कोफ्ते मैंने कच्चे भी रखे हूँ। अब ज़्यादातर कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए। ये तेल गरम हो गया है, इसके अंदर तेज पत्ते डाल दिए, ये मसाला पीसा हुआ डाल दो, हल्दी, मिर्ची, पीसा हुआ गरम मसाला, ये सब डालकर अच्छे तरीके से भून लो। ये देखो, देखो ये मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून गया और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है और तेल भी मसाले के ऊपर आ गया है। तो ये मसाला बहुत अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे दही। और इसके अंदर डालेंगे प्याज का बलिश्ता। ये कोफ्ते में डालो, कोफ्ते का टेस्ट एकदम ही अलग हो जाता है। और ये हमारे यूपी यानी मेरा मुल्क बरेली शरीफ में ये कोफ्ते बहुत मशहूर है। तो आप लोग भी बनाइए, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को भी पसंद आएंगे। मसाला माशाल्लाह अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। अब एक गिलास पानी डाल रही हूँ और एक गिलास पानी डाल के इसके ऊपर ढक्कन ढक के रख दो जब तक के उबाल नहीं आ जाता है। ये देखिए, जोश आ चुका है मसाले में और नमक पानी में उबाल आ गया है और ये कोफ्ते एक साथ डाल दो। इसको हल्के हल्के चला के एक 10 मिनट के लिए रख दो पकने के लिए। देखिएगा, कोफ्ते तैयार है। कोफ्ते यूपी स्टाइल में और ये ऊपर से हमने कोथमीर डाल दिया है माशाल्लाह, देखिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। माशाल्लाह, आप भी बनाइए ऐसे कोफ्ते। ले जाओ।